ओम शांति। बाबा कहते, एक मुझ बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करूं, एक मुझ बाप से सर्व प्राप्तियां करूं, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूं। अब इस विनाशी दुनिया से, विनाशी देह से उपराम हो जाओ, न्यारे और प्यारे बन जाओ, क्योंकि अब जाना है अपने घर। तो जैसे घर से आए थे वैसे ही जाना है, जिसका आधार है एक बाबा ही संसार है। एक बाबा पर एक सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र कर लो। एक बाबा दूसरा ना कोई, इसी स्मृति में स्थित हो जाओ। अनुभव करते रहो, मैं मन और बुद्धि की मालिक। एक सेकंड में एक बाबा पर एकाग्र होने वाली स्थिर बुद्धि आत्मा हूं, तो सर्व प्राप्तियां होंगी, संपूर्ण संपन्न बनेंगे, बाबा के साथ घर जाने के लायक बन जाएंगे। तो आज अमृत बेला में हम स्वमान लेंगे, मैं एक बाप पर एकाग्र होने वाली स्थिर बुद्धि आत्मा हूं, मैं एक बाबा पर एकाग्र होने वाली स्थिर बुद्धि आत्मा हूं। जब अमृत बेला में हम इस स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमें स्मृति में रहेगा कि एक बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा से ही सर्व प्राप्तियां कर, संपूर्ण संपन्न बनकर बाबा के साथ जाने लायक बनना है। तो अनुभव करें स्वयं को, मैं ईश्वरीय संतान हूं, राजयोगी राज ऋषि, एक बाबा ही मेरा संसार है। एक बाबा ही मेरे लिए सर्वस्व है। उनकी याद में रहना ही मेरा जीवन है। एक बाबा ही माता पिता, बंधु सखा, परम शिक्षक सद्गुरु है। एक बाबा की याद मुझे उनसे सर्व प्राप्तियां कराने वाली है। अपने सर्व संबंध निराकार पिता परमात्मा शिव बाबा से जोड़ने का अभ्यास करें। जब एक बाबा पर मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, तो सर्व खजानों के मालिक के
सर्व खजानों के अधिकारी हम स्वतः बन जाएंगे। तो हर संबंध से न्यारे और प्यारे रहना, एक बाप से सर्व संबंध की अनुभूति करना, यही अपने जीवन का लक्ष्य बना लो। अनुभव करें मैं एक बाबा पर एकाग्र होने वाली स्थिर बुद्धि आत्मा हूं। मैं एक बाबा पर एकाग्र होने वाली स्थिर बुद्धि आत्मा हूं। मैं एक बाबा पर एकाग्र होने वाली स्थिर बुद्धि आत्मा हूं। एक बाबा पर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर लें। दिल ही दिल में प्राणेश्वर बाबा से अपने दिल की रूरुहान करें। हे प्राणेश्वर बाबा, आप ही मेरे माता पिता हैं। आप ही मेरे सर्वस्व हो। आपके बिन मैं एक पल भी नहीं रह सकता। आपकी याद जैसे मेरी श्वास बन गई है। अब हर एक पल भी, हर क्षण भी आपके बिना कुछ भी भाता नहीं। दिल यही गीत गाता है कि अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। बाबा के प्यार ने मुझे उनके समान सर्व शक्तियों का मालिक बना दिया। बाबा मुझसे बेहद प्यार करते हैं। और अपना सर्वस्व मुझ पर प्रदान कर रहे हैं। बाबा कहते जब भी आवश्यकता लगती है, तो मुझे बुला लो। कोई भी विघ्न परेशानी आती है, कोई भी समस्या आती है, तो मुझे अपना साथी बना लो। मेरे मीठे बच्चे अब अकेले ना रहो, मुझ बाप को अपना संसार बना लो।
तो अनुभव करें मैं एक बाबा पर एकाग्र होने वाली। स्थिर बुद्धि आत्मा हूं, मैं एक बाबा पर एकाग्र होने वाली। स्थिर बुद्धि आत्मा हूं, मैं एक बाबा पर एकाग्र होने वाली। स्थिर बुद्धि आत्मा हूं, बाबा कहते मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए इस धरा पर आया हूं, मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारे लिए हैं। जैसे मैं सर्वशक्तिवान हूं, ऐसे ही तुम मेरी संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम ही मेरी सर्व शक्तियों के स्वामी कहलाने वाले अधिकारी हो। तुम इन्हें स्वयं में समा कर, इनका सदुपयोग करो। मुझ पर मन बुद्धि को एकाग्र करो। एक मुझ सर्वशक्तिवान की याद में रहो। कभी स्वयं को अकेला नहीं समझो। स्वयं को पहचानो। तुम निर्बल नहीं हो, तुम मेरी संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मुझे सदा अपना साथी सहयोगी बनाकर रखो। अपने मन और बुद्धि को मुझ पर स्थिर कर लो। पुराने जो भी संबंधी हैं सब विनाशी हैं। पुरानी देह भी विनाशी है। अब सब मिट्टी में मिल जाना है। तो एक मुझ बाप को अपना संसार बना लो। तो अनुभव करें मैं एक बाबा पर एकाग्र होने वाली। स्थिर बुद्धि आत्मा हूं, मैं एक बाबा पर एकाग्र होने वाली। स्थिर बुद्धि आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं एक बाबा पर एकाग्र होने वाली। स्थिर बुद्धि आत्मा हूं।
बाबा कहते सर्वशक्तिवान शिव बाबा से। सर्व शक्तियों को स्वयं में भरकर मास्टर सर्व शक्तिवान की श्रेष्ठ सीट पर स्थित हो जाओ। खुद को आत्मा प्रकृति सिंहासन पर अनुभव करो। अनुभव करो मैं आत्मा, इस विनाशी देह से न्यारी। देह के संबंधियों से न्यारी। एक अविनाशी पिता परमात्मा की प्यारी। अजर अमर अविनाशी संतान हूं। एक पिता ही मेरे बंधु सखा हैं। एक पिता ही मेरे मात पिता हैं। एक पिता ही परम शिक्षक हैं। एक पिता ही सद्गुरु हैं। उनसे ही मेरे सर्व संबंध हैं। उनसे ही मेरी सर्व प्राप्तियां हैं। सर्व प्राप्तियां करने के लिए एक बाबा को अपना संसार बना लो। अनुभव करो मैं एक बाबा पर एकाग्र होने वाली स्थिर बुद्धि आत्मा हूं। मैं एक बाबा पर एकाग्र होने वाली स्थिर बुद्धि आत्मा हूं। मैं एक बाबा पर एकाग्र होने वाली स्थिर बुद्धि आत्मा हूं। अच्छा, कल अमृत बेला में नए स्वमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।